किसी ने बोला कि कड़ी पत्ते का तेल लगा लो, प्याज के रस का वो लगाओ, मैंने सब कुछ ट्राई किया बट उसके बावजूद भी मेरा हेयर फॉल कंटिन्यू रहा। जब मेरा हेयर फॉल होना शुरू हुआ था तो मैंने नोटिस किया था कि मेरे बाल जो है यहाँ से टेम्पल के ऊपर से थोड़े थोड़े रिसीव होना शुरू हो गए थे, पहले लेफ्ट साइड में उसके बाद राइट साइड में। तो वहीं से मैंने सोचा कि ये पता नहीं, पहले तो मुझे लगा नॉर्मली ऐसे ही झड़ रहे होंगे, बट बाद में मैंने जो है QST के बारे में यूट्यूब के थ्रू मैंने पहली वीडियो देखी। मेरा नाम आलिम बेग है और मेरी उम्र 34 साल है और मैं जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे हेयर लॉस आज से लगभग 5 से 6 साल पहले से जब थोड़ा थोड़ा मुझे फील होना शुरू हुआ था, उसके बाद ही मैंने बहुत सी रेमेडीज ट्राई करी, जैसे कि किसी ने बोला कि कड़ी पत्ते का तेल लगा लो, प्याज के रस का वो लगाओ, मैंने सब कुछ ट्राई किया बट उसके बावजूद भी मेरा हेयर फॉल कंटिन्यू रहा। फिर एक डॉक्टर को वहीं पे, मेरे पीलीभीत में एक डॉक्टर है डर्मेटोलॉजिस्ट, मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने कुछ मेडिसिन और मुझे मिनोक्सिडिल रिकमेंड की थी, वो भी मैंने मेडिसिन भी खाई, 1-2 साल खाई तब तक तो वो ठीक रहा, बट उसके बाद फिर से मेरा हेयर फॉल काफी स्टार्ट हुआ। 2020-21 में मैंने जो है QST के बारे में यूट्यूब के थ्रू मैंने पहली वीडियो देखी, तो वहां से मुझे काफी मतलब अच्छा लगा, एक इंस्पिरेशन मिला कि हाँ, यहाँ अगर मैं किसी तरह से अपना अपॉइंटमेंट बुक करूँ तो शायद मेरा भी जो रिजल्ट मैंने उस वीडियो में देखा तो वो भी मुझे मिल सके। तो उसके बाद ही मैंने फिर काफी रिसर्च करना शुरू किया, कुछ दोस्तों से भी पता किया, उन्होंने बताया कि काफी अच्छा क्लिनिक है, आप एक बार आके विजिट करो। तो हालांकि मैंने विजिट तो नहीं किया बट मैंने यहाँ पर कॉल करके और उस तरह से इंक्वायरी काफी करी, तो लास्ट ईयर मैंने यहाँ के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया। और यहाँ क्लिनिक की सबसे अच्छी बात यह है कि कई बार आपको फेस्टिव सीजन में ऑफर्स भी अच्छे मिल जाते हैं, तो उस ऑफर में ही मैंने बुकिंग करी थी। छुट्टी का थोड़ा सा इशू था बट आज 7-8 महीने बाद मुझे फाइनली मिल गई है तो मैं यहाँ पर हूँ। थोड़ा सा नर्वसनेस तो है बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। जब मेरा हेयर फॉल होना शुरू हुआ था तो मैंने नोटिस किया था कि मेरे बाल जो है यहाँ से टेम्पल के ऊपर से थोड़े थोड़े रिसीव होना शुरू हो गए थे, पहले लेफ्ट साइड में उसके बाद राइट साइड में। तो वहीं से मैंने सोचा कि ये पता नहीं, पहले तो मुझे लगा नॉर्मली ऐसे ही झड़ रहे होंगे, बट बाद में मैंने जब अपने पापा का भी पैटर्न देखा तो किसी ने मुझे बताया कि ये जो है ये जेनेटिक भी होता है, तो उस वजह से वक्त तुम्हारे भी गिर रहा हूँ, अपने केयर करोगे तो अच्छे से होगा। बट केयर करने के बावजूद भी ये धीरे धीरे मेरे यहाँ पर सारे इस एरिया में काफी बाल गिर गए, और यहाँ पर तो बिल्कुल ही ये देखिए एकदम से ये सारे बिल्कुल गायब हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आज ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ QST हरिद्वार में। ये मेरी लाइफ की किसी भी तरह की पहली सर्जरी है, हालांकि हेयर सर्जरी है, बहुत माइनर सर्जरी होती है, बट फिर भी एक थोड़ा सा नर्वसनेस है मेरे अंदर। तो अब सर्जरी कराने जाते हैं और उसके बाद मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हेलो एवरीवन, आज मेरी सर्जरी का Day 2 था और आज मेरी मॉर्निंग से 7 बजे से सर्जरी शुरू हो गई थी जो अभी शाम को लगभग 6 बजे कंप्लीट हुई है। और अगर मैं अपने सर्जरी के एक्सपीरियंस की बात करूं तो पेन तो ऐसा कोई नहीं हुआ, बट अब जिस टाइम पर ग्राफ्स निकाले जा रहे थे तो हल्का सा ऐसा लगता है जैसे कोई चींटी काट रही, बाकी बिल्कुल भी पेनलेस एक्सपीरियंस था यहाँ पर QST पे। और इसके अलावा कल मैं आया था, फिर मेरा फर्स्ट डे था, सेकेंड डे पे मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से मैं, आप देख सकते हैं, मैं ग्राफ्स यहाँ पर मेरे लगे हैं और थोड़े से यहाँ पर इस साइड पर टोटल 3200 रिकमेंड किए थे और उतने ही लगे हैं। और इसके अलावा मेरे जितने भी दोस्त हैं और जितने भी साथी हैं, अगर कोई हेयर लॉस की प्रॉब्लम से परेशान है तो मेरा सजेशन तो उनको यही रहेगा कि फाइनली उनको हेयर ट्रांसप्लांट करा के ही फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि आप कुछ भी कोई भी ऐसे नुस्खे आजमाते रहे तो उससे टेम्पररी बेसिस पे तो उनसे रिजल्ट मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म में हेयर ट्रांसप्लांट ही बेस्ट है। और उस ट्रांसप्लांट के लिए आप QST हरिद्वार को जरूर विजिट करें। थैंक यू QST। If you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.